दिस इज ब्राइट स्टार आयल्स पीटी इंस्टीट्यूट बेसिक कोर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश डे 6 टॉपिक एनिमल जू वाइल्ड लाइफ। विच एनिमल आर यूजफुल इन योर कंट्री? कौन से जानवर आपकी कंट्री में यूजफुल हैं? देर आर सो मेनी यूजफुल एनिमल्स इन माई कंट्री लाइक काओ, बफलो, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा। ये एनिमल्स हैं काओ, बफलो, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, ये हमारे लिए डॉग, ये हमारे लिए यूजफुल हैं। ऑल दीज एनिमल हैव देयर ओन यूटिलिटी फॉर ह्यूमन बींग। इन सब जानवरों की जो है मानव के लिए अपनी उपयोगिता है। विच इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल अकॉर्डिंग टू यू, वाई? आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा यूजफुल एनिमल कौन सा है और क्यों? काओ इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन माई कंट्री। मेरी कंट्री में काओ जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल है। इट गिव्स अस मिल्क विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ एवरी एज फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। ये दूध देती है और ये इसका दूध जो है वो हर उम्र के लोगों के लिए, बचपन से लेकर बूढ़े लोगों के लिए इसका दूध जो है वो फायदेमंद होता है। इट्स यूरिन, इसका जो यूरिन है यूजफुल इन क्योरिंग सम डिजीज। कुछ बीमारियों में इसका यूरिन जो है वो काम आता है यूज कर डिजीज को ठीक करने में। इट्स डंग इज यूज्ड एज ए नेचुरल मैन्योर। इसका जो डंग है, डंग का मतलब गोबर होता है, तो इसका जो गोबर है वो भी नेचुरल मैन्योर प्राकृतिक खाद में काम आता है। इट इज़ रियली कॉल्ड मदर, इसको वास्तव में माँ कहा जाता है बाय द पीपल ऑफ माय कंट्री, मेरे देश के लोगों के द्वारा। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एनिमल इन योर कंट्री? आपके कंट्री में एनिमल की क्या कंडीशन है? एवर सिंस टाइम इमेमोरियल, प्राचीन समय से ही एनिमल हैव बीन गिवन इम्पोर्टेंस बाय द पीपल ऑफ माय कंट्री। प्राचीन समय से ही जानवरों को भारत में, मेरे देश में महत्व दिया जाता है, मेरे देश के लोगों के द्वारा महत्व दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल नाइदर किल नॉर टॉर्चर एनिमल। अधिकतर लोग ना तो जानवरों को मारते हैं ना ही टॉर्चर करते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल आर कैप्ट एज पेट्स। इनमें से कुछ जानवरों को पालतू बना के रखा जाता है। बट सम सेल्फिश पीपल, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग डिस्कार्ड, मतलब बाहर निकाल देते हैं दीज एनिमल्स व्हेन दे बिकम यूजलेस। मतलब कुछ स्वार्थी लोग इन जानवरों को बाहर निकाल देते हैं, घर से भगा देते हैं जब वो यूजलेस हो जाते हैं, उनके लिए बेकार हो जाते हैं, तो उनको वो बाहर भगा देते हैं। आर एनिमल कैप्ट इन गुड कंडीशन इन जू? क्या जू के अंदर जानवरों को अच्छी कंडीशन में रखा जाता है? इन जूज एनिमल आर नॉट कैप्ट इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में नहीं रखा जाता है। दे आर इल फेड, उनको बुरा खाना दिया जाता है, इल ट्रीटेड, बुरा व्यवहार किया जाता है, एंड इल न्यूरिस्ट, और पूरा पौष्टिक भोजन भी नहीं दिया जाता। दे आर डिप्राइव्ड, वो वंचित रहते हैं ऑफ देयर नेचुरल फ्रीडम, वो अपनी नेचुरल यानी प्राकृतिक आज़ादी से वंचित रहते हैं। दे आर कैप्ट इन चेन्स एंड डेंस, उन्हें बांध करके और गुफाओं में बंद करके रखा जाता है। वट शुड गवर्नमेंट डू टू प्रोटेक्ट एनिमल, जानवरों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देयर आर सो मैनी लॉज, बहुत सारे कानून हैं विच प्रोटेक्ट एनिमल, जो जानवरों की रक्षा करते हैं। बट ओनली लॉज आर नॉट सफिशियंट, लेकिन कानून बना देना ही सफिशियंट नहीं होता है। वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज देयर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है उनका इम्प्लीमेंटेशन होना। पीपल एंड सम ऑर्गेनाइजेशन, लोग और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है शुड कम फॉरवर्ड, उनको आगे आना चाहिए टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, इन जानवरों की रक्षा के लिए उनको आगे आना चाहिए। आर देयर सम एनिमल विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन, क्या कुछ जानवर हैं, क्या कुछ ऐसे जानवर हैं जो लुप्त होने का खतरा महसूस कर रहे हैं? देयर आर सम एनिमल विच फेस एक्सटिंक्शन, कुछ जानवर हैं जो एक्सटिंक्शन यानी लुप्त होने का खतरा फेस कर रही है। द नंबर ऑफ लायंस, शेरों की संख्या, टाइगर्स, वाइल्ड वाइट बियर्स, सफ़ेद भालू जो है उनकी संख्या, एंड बर्ड्स लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और कुछ पक्षी जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक नाम आता है, आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन, ये लुप्त होने का खतरा जो है महसूस कर रहे हैं या इसकी समस्या से ये पीड़ित हैं, यानी इनकी संख्या लगातार कम हो रही है और ये लुप्त हो रहे हैं। हाउ कैन द इनडेंजर्ड स्पीसीज बी सेव, जिन जानवरों की संख्या कम हो रही है, जिनके लुप्त होने का खतरा है, उनको कैसे सेव किया जा सकता है? द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द रूल प्रोटेक्टिंग द एनिमल, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली जो है रूल इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन जानवरों की रक्षा करने के लिए। पोचर्स शुड बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, पोचर्स हंटर्स के लिए यूज होता है, शिकारियों के लिए। पोचर्स शुड बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, जो पोचर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली पनिश करना चाहिए बाई गिविंग एग्जाम्पली पनिशमेंट, उनको एक सजा दे करके जो है उनको, मतलब जो
आपके स्वीकार करते हैं उनको सजा दे करके और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मतलब एक सबक सिखाना चाहिए। वाइल्ड एनिमल सेंचुरी शुड बी डेवलप्ड एंड प्रोटेक्टेड, जो वाइल्ड एनिमल सेंचुरीज हैं उनको डेवलप करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। शुड एनिमल बी यूज्ड इन सर्कस एंड अदर शोज, क्या सर्कस और दूसरे शोज के अंदर एनिमल्स को जो है यूज करना चाहिए। आई एम डेडली अगेंस्ट सच ए यूज, मैं ऐसे यूज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इन ए सर्कस एंड एनिमल शोज, सर्कस और एनिमल शोज में एनिमल आर बिटरली बीटन, जानवरों को बुरी तरह से पीटा जाता है बाई द रिंग मास्टर, रिंग मास्टर के द्वारा। दे आर केप्ट हंग्री, उन्हें भूखा रखा जाता है। सो दैट दे कैन बी टेम्ड टू डांस टू द ट्यून ऑफ मैन, ताकि उनको जो है मनुष्य के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर किया जा सके। इट इज़ ए शियर क्यूरलिटी, शियर का मतलब है केवल मात्र निरा, यह केवल मात्र निर्दयता है। एंड सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन है। ऑन द बिहाफ ऑफ ए मैन, मनुष्य के द्वारा, टुवर्ड इनो दीज इनोसेंट एनिमल्स, इन निर्दोष जानवरों के प्रति मनुष्य के द्वारा, ये सिर्फ जो है स्वार्थीपन का रवैया है। नेक्स्ट टॉपिक बुक्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन आर लाइफ, हमारे जीवन में बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन, बुक्स जो है मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त हैं। दे गिव अस द बेस्ट नॉलेज वेरी कन्वीनियंटली, वे हमें जो है बेस्ट नॉलेज सबसे अच्छा ज्ञान देती हैं वेरी कन्वीनियंटली, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड, वे संसार के जो बेस्ट लोग होते हैं मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके दिमाग की उपज होती है। दे स्टैंड बाई अस, वे हमारा साथ देती हैं। वेन इवन आर बेस्ट फ्रेंड डिजर्ट अस, मतलब अच्छी किताबें हमारा तब भी साथ देती हैं जब हमारे दोस्त हमारे से मुख मोड़ लेते हैं, तब भी किताबें हमारे साथ खड़ी रहती हैं, अर्थात हमें साथ देती हैं। वट आर द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ योर स्टेट, आपके स्टेट में लोगों की रीडिंग हैबिट क्या है। विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के फैलाव के साथ साथ द नंबर ऑफ रीडर्स इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, जो नंबर ऑफ रीडर्स है पढ़ने वाले लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैव एडेड टू द चार्म ऑफ रीडिंग, कंप्यूटर और इंटरनेट ने भी रीडिंग का जो रीडिंग के अंदर चार्म क्रिएट कर दिया है, यानी रीडिंग के अंदर जो है एक अट्रैक्शन बना दिया है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स की जो संख्या बढ़ रही है, मैगजीन्स की जो संख्या बढ़ रही है, बुक्स की जो संख्या बढ़ रही है, एट्सेट्रा आर द विटनेस, ये इस बात की गवाह हैं दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द प्रिंटेड मटेरियल, कि लोग जो है प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। डू द पीपल रीड इंग्लिश बुक्स और बुक्स इन अदर लैंग्वेज, क्या लोग जो है इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं या किताबें दूसरी भाषाओं में पढ़ते हैं, अन्य भाषाओं में पढ़ते हैं। द पीपल इन माई स्टेट यूजली रीड बुक्स इन दियर रीजनल लैंग्वेज, लोग मेरे देश के अंदर जो लोग हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर किताब पढ़ते हैं और इन द हिंदी या हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। द पीपल हु आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रीड बुक्स इन इंग्लिश, जो लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो इंग्लिश में किताबें पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ बुक्स आर रेड बाई यंगस्टर्स, किस तरह की किताबें जो है युवा लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है। द यंग बॉयज एंड गर्ल्स लाइक टू रीड बुक्स ऑफ देयर सिलेबस, यंग बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो अपने सिलेबस की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। सम पीपल हु हैव टाइम, कुछ लोग जिनको टाइम होता है, रीड बुक्स ऑन रोमांटिक एंड डिटेक्टिव स्टोरीज, वो रोमांचित कहानियाँ डिटेक्टिव और जासूसी कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं। व्हाट डू द चिल्ड्रन और स्कूल गोइंग स्टूडेंट रीड, जो चिल्ड्रन हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं। चिल्ड्रन और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स ऑन फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ जो होती हैं उन पर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। हैरी पॉटर सीरीज की किताबें पढ़ते हैं। ऑफ नॉवल हैव बिकम ए हार्ट थ्रोम ऑफ द चिल्ड्रन, और हैरी पॉटर सीरीज जो है ये बच्चों के दिल की धड़कन बन गई है। हार्ट थ्रोम का मतलब दिल की धड़कन, यानी बच्चों की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड ये सीरीज है। इज देयर एनी पब्लिक लाइब्रेरी इन योर सिटी और टाउन, क्या आपकी सिटी और टाउन में कोई पब्लिक लाइब्रेरी है। देयर इज ए पब्लिक लाइब्रेरी इन माई सिटी और टाउन, मेरी सिटी और टाउन में एक पब्लिक लाइब्रेरी है, बट इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर बिकॉज न्यू बुक्स एंड मैगजीन्स आर नॉट अवेलेबल देयर, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि यहाँ पर नई बुक्स और मैगजीन अवेलेबल नहीं है। ओनली द ओल्ड पीपल गो देयर एंड रीड न्यूज़पेपर, केवल ओल्ड पीपल पुराने लोग जो हैं बूढ़े लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं एंड रीड न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ते हैं। What can be done to promote the reading habit of the people?
लोगों की रीडिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यू एंड इंटरेस्टिंग बुक्स एंड मैगजीन शुड बी मेड अवेलेबल। नई बुक्स और मैगजीन्स जो हैं उन्हें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए इन द पब्लिक और अदर लाइब्रेरीज, पब्लिक और दूसरी लाइब्रेरीज में, इन स्कूल एंड कॉलेजेस। द टीचर्स कैन इंकरेज द स्टूडेंट्स टू विजिट द लाइब्रेरी। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर टीचर्स जो हैं कैन इंकरेज द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं टू विजिट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को विजिट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फेस्टिवल। फेस्टिवल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल? फेस्टिवल की क्या इंपॉर्टेंस है? फेस्टिवल आर द सेलिब्रेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं तो उनको सेलिब्रेट करना ही फेस्टिवल है। और माइथोलॉजी या हमारी जो माइथोलॉजी है, साहित्य है, किताबें हैं, या हमारे जो इतिहास के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको सेलिब्रेट करना ही फेस्टिवल है। फेस्टिवल रिमाइंड अस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन। फेस्टिवल जो है हमारे, हमें हमारी कल्चर, कस्टम और ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। द फ्यूचर जनरेशन लर्न ए लॉट अबाउट देयर रिच पास्ट। जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बहुत सीखते हैं अपने पास्ट के बारे में। मैनी फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट फेजेज ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं वो खेती की अलग अलग अवस्थाओं पे से जुड़े हुए हैं। हाउ डू पीपल इन योर कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल। आपकी कंट्री में लोग फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पीपल ऑफ माई कंट्री सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल विद फुल एक्साइटमेंट। मेरी कंट्री के लोग जो हैं सारे जितने भी फेस्टिवल हैं उनको पूरे उत्साह से मनाते हैं। दे वाइट वॉश और पेंट देयर हाउसेज। वो अपने घर को सफ़ेदी करते हैं या रंग करते हैं, एंड वर्किंग प्लेस को रंग करते हैं। वियर न्यू क्लोथ, नए कपड़े पहनते हैं, एंड गिव गिफ्ट्स और उपहार देते हैं, एंड बेस्ट विशेज और अच्छी शुभकामनाएं देते हैं टू देयर नियर एंड डियर्स। अपने जो नज़दीक नियर डियर होते हैं, रिश्तेदार, फ्रेंड्स होते हैं, उनको अच्छी शुभकामनाएँ भी देते हैं। विच आर द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ योर कंट्री, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट देम? दिवाली, क्रिसमस एंड ईद आर द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ माय कंट्री। दिवाली, क्रिसमस और ईद जो है सबसे अच्छे, मतलब पॉपुलर, प्रसिद्ध फेस्टिवल है मेरी कंट्री के। पीपल सेलिब्रेट देम विद रिलीजियस फर्वर। लोग जो है उनको धार्मिक उत्साह से मनाते हैं, एंड एक्सचेंज बेस्ट विशेज एंड गिफ्ट, और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं। इज देयर एनी चेंज इन द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल टूडे एज कम्पेयर टू दैट इन द पास्ट? क्या पास्ट की तुलना में आज लोगों के फेस्टिवल मनाने के तरीके में कुछ परिवर्तन है? इन द पास्ट द पीपल सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विद रिलीजियस स्पिरिट। पास्ट के अंदर लोग जो है धार्मिक उत्साह से त्योहारों को मनाते थे, धार्मिक तरीके से मनाते थे। देयर सेलिब्रेशन वर फुल ऑफ ऑस्टेरिटी, और उनके जो सेलिब्रेशन होता था उनमें फिक्स जो है ऑस्टेरिटी, मतलब सिंपल तरीका होता था, और फिक्स जो है फिक्स तरीका भी फिक्स होता था। बट नाउ द पीपल ट्राई टू शो ऑफ देयर रिचीज। लेकिन आजकल जो लोग हैं अपनी रिचीज यानी अमीरी को दिखाने का प्रयास करते हैं। मच मनी इज वेस्टेड ऑन दिस सेलिब्रेशन। बहुत पैसा इन सेलिब्रेशन पे खर्च किया जाता है। द पीपल ड्रिंक, डाइन एंड डैश। ये डांस है, वर्ड डांस वर्ड है, DANCE। लोग जो है ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं ऑन दीज ओकेजन, इन अवसरों पर, एंड कॉज मच पोल्यूशन, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। डू दीज फेस्टिवल हैव एनी कमर्शियल वैल्यू? क्या इन त्योहारों का कुछ व्यावसायिक महत्व भी है? यस, ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल, इन त्योहारों के दौरान पीपल बाई सो मैनी थिंग्स। लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लीडिंग टू हेक्टिक कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, जिससे जो है बाजार के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में बूम आता है, बूस्ट आता है। मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी लाखों प्रोडक्ट वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज़, जिनकी लाखों रुपए की कीमत होती है, आर प्रोड्यूस्ड, उनको बनाया जाता है, सोल्ड, बेचा जाता है, एंड बोट खरीदा जाता है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इन त्योहारों के दौरान। मूवीज, आर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवीज। विच टाइप ऑफ मूवीज आर पॉपुलर इन योर कंट्री? आपकी कंट्री में किस तरह की मूवीज पॉपुलर हैं? एट द नेशनल लेवल हिंदी मूवीज आर वेरी पॉपुलर। नेशनल लेवल पे हिंदी मूवीज बहुत पॉपुलर हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री आर प्रोड्यूसिंग हिंदी मूवीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो हिंदी मूवी बना रही है वो संसार की सबसे बेस्ट मूवीज हैं। अलोंग विद हिंदी इवन रीजनल मूवीज आर वेरी पॉपुलर। हिंदी के साथ साथ जो रीजनल मूवीज़ हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं।
विच आर द ट्रेंड फॉलोड बाई फिल्म इंडस्ट्री इन योर कंट्री, आपके कंट्री में फिल्म इंडस्ट्री किस तरह के जो ट्रेंड को फॉलो करती है। मोर देन 90% ऑफ द मूवीज ऑफ माई कंट्री आर डेवलप्ड डिवोटेड टू लव स्टोरीज, 90% जो मूवीज हैं वो हमारे यहाँ पर लव स्टोरीज को डिवोटेड हैं। देयर इज ए ट्राइंगुलर लव, तीन तरफा मतलब प्यार होता है इसमें, हैविंग वन लवर, एक लवर होता है, वन विलवर्ड यानी एक प्रेमी होता है, एक प्रेमिका होती है एंड द विलेन, और एक विलेन होता है। म्यूजिक एंड सॉन्ग्स हैव ए स्पेशल प्लेस इन दीज मूवीज, म्यूजिक और सॉन्ग को विशेष महत्व दिया जाता है इन मूवीज के अंदर। दीज मूवीज आर फुल ऑफ रोमांस एंड आइडियलिक सिचुएशन, रोमांस वही जो है रोमांचित करने वाला यानी रोमांस होता है, और आइडियलिक सिचुएशन का मतलब होता है कि ये फिल्म जो है अंत में सुखद स्थिति के अंदर फिल्म का एंड होता है। आर देयर एनी चैलेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन मूवी मेकिंग ऑफ आर कंट्री, क्या हमारे देश में मूवी मेकिंग के में कुछ चेंज आया है। ऑफ कोर्स ओनली सम चेंजेस हैव टेकन प्लेस, कुछ परिवर्तन हुए हैं विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्निक की वजह से, स्पेशल इफेक्ट आर क्रिएटेड, विशेष प्रभाव बनाए जाते हैं, म्यूजिक हाईटेक है, एनिमेशन फिल्म्स आर बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल, एनिमेशन फिल्म जो है बहुत सक्सेसफुल हो रही है, थीमेटिक मूवी लाइक तारे जमीन पर है बिकम बॉक्स ऑफिस हिट, थीमेटिक जो मूवी है तारे जमीन पर ये बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है। What is something not liked by you in Indian movies? आप इंडियन मूवीज़ में क्या चीज़ें लाइक नहीं करते हैं? मॉडर्न बॉलीवुड मूवीज़ है बिकम थोरोली कमर्शियल, जो मॉडर्न बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई हैं, सेक्स एंड वायलेंस आर ओपनली शोन, अश्लीलता और हिंसा को मतलब ओपनली दिखाया जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज एंड इवन म्यूजिक आर स्टोलन फ्रॉम हॉलीवुड मूवीज़, ज़्यादातर जो स्टोरीज हैं और यहाँ तक कि संगीत है उसे चुरा लिया जाता है हॉलीवुड मूवी से स्टोरी और यहाँ तक कि संगीत को भी चुराया जाता है। विच टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, आई लाइक ओनली द कॉमेडी मूवीज, मुझे कॉमेडी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है, दीज मूवीज प्रोवाइड यू लाफ्टर, ये मूवीज जो है आपको हंसाती हैं, एंड रिलैक्सेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो आधुनिक संसार है हमारा तनाव और चिंताओं का, इसके अंदर वो आपको रिलैक्सेशन भी देती हैं। आई नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ वॉचिंग ए कॉमेडी मूवी, मैं कॉमेडी मूवी को वॉच करने को यानी मैं कॉमेडी मूवी देखने का कभी भी मौका नहीं चूकता हूँ। डू मूवीज़ प्रमोट वायलेंस एंड वल्गैरिटी, आई एग्री टू दिस पॉइंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मैं काफ़ी हद तक इस बात से सहमत हूँ, इनोसेंट पीपल स्पेशली द चिल्ड्रन आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई सेक्स एंड वल्गैरिटी, इनोसेंट पीपल उनके अंदर स्पेशली चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं सेक्स और वेलगैरिटी सोन इन मूवीज़ के अंदर जो सेक्स और वेलगैरिटी शो करते हैं उसे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। इंटरव्यूज़ विद मैनी जूनाइल डेलिंक्वेंट्स हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट दे गेट इंस्पिरेशन टू कमिट क्राइम फ्रॉम मूवीज़ ऑफ दिस टाइप, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनसे कुछ इंटरव्यू लिए गए जिनको अपने बाल अपराधी बोलते हैं, तो उनसे कुछ इंटरव्यू लिया तो उनसे ये क्लियर हो गया कि उन बच्चों ने ज़्यादातर अपराध जो है वो मूवीज़ के अंदर जो क्राइम दिखाए जाते हैं उनसे प्रेरणा लेकर के किए। चिल्ड्रन ट्राई टू इमिटेट होता है नकल करना, बच्चे जो हैं वो नकल करते हैं द स्टंट मेड बाय देयर सुपरस्टार, अपने सुपरस्टार्स के द्वारा जो स्टंट किए जाते हैं उनकी बच्चे नकल करते हैं, सम टाइम दे लॉस्ट देयर लाइफ, और कई बार वो अपना जीवन खो देते हैं। आर देयर एनी हिस्टोरिकल मूवीज़ पॉपुलर इन कंट्री, क्या आपके कंट्री में कोई हिस्टोरिकल मूवीज़ पॉपुलर हैं? यस, बॉलीवुड हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी मेमोरेबल हिस्टोरिकल मूवीज़ लाइक मुगले आजम, जोधा अकबर, लगान, रंग दे बसंती, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, पोरस एंड सिकंदर एक्सेट्रा। शुड फिल्म बी सेंसर्ड, वाई, यस फिल्म मस्ट बी सेंसर्ड, फिल्म को सेंसर करना चाहिए। हिस्ट्री इज़ द विटनेस दैट मैनी टाइम्स वैन सम इररिस्पॉन्सिबल कॉमेंट्स वर मेड इन द मूवीज कम्युनल राइट्स टुक प्लेस, मच हार्म्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज कॉज्ड, हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि कई बार अगर फिल्मों में इररिस्पॉन्सिबल कॉमेंट कर दिए जाते हैं तो जिससे जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और जीवन और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। सेंसरशिप बोर्ड विल एक्ट एज ए मोनिटर टू जज द कंटेंट ऑफ द मूवीज, तो सेंसरशिप बोर्ड को जो है मूवी के कंटेंट को जज करने के लिए एक मॉनिटर का रोल अदा करना चाहिए।
सेंसरशिप बोर्ड विल एक्ट, मतलब करेगा ये एज ए मॉनिटर, मॉनिटर का रोल अदा करेगा टू जज द कंटेंट ऑफ द मूवीज. व्हाट इज द रीजन दैट पीपल डू नॉट प्रेफर टू वॉच मूवीज इन द सिनेमा हाउस. व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि लोग जो है मूवीज देखना सिनेमा हाउस में पसंद नहीं करते हैं. देर आर सो मैनी रीजन, इसके पीछे बहुत कारण है. द फर्स्ट टिकट ऑफ सिनेमा हॉल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, टिकट जो है वो बहुत महंगी होती है. देयर इज मच वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, टाइम और मनी का वेस्टेज होता है. ट्रैफिक प्रॉब्लम डैम्पन दिस स्प्रिट, और ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है इस स्प्रिट को और दबा देती है. मोर ओवर बॉम्ब ब्लास्ट एट पब्लिक प्लेस हैव सीरियसली अफेक्टेड द क्राउड इन द सिनेमा हॉल. कई बार बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है पब्लिक प्लेस पे, वो चीज़ भी लोगों को इससे दूर करती है. देयर इज ए फ्लड ऑफ सीडीज अवेलेबल इन द मार्केट, और मार्केट के अंदर सीडीज की भी, मूवीज की जो सीडीज हैं उनकी भी बाढ़ आई हुई है, तो लोग वहाँ से खरीद लेते हैं एंड दे प्रेफर एंजॉइंग वॉचिंग मूवीज एट देयर होम. डू यू प्रेफर टू वॉच ए मूवी ऑन टीवी और इन सिनेमा हॉल. आई वुड प्रेफर टू वॉच ए मूवी ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे देखना पसंद करता हूँ. इट इज़ वेरी चीप एंड कन्वीनियंट, ये सस्ता होता है, कन्वीनियंट आरामदायक होता है. वी कैन एडजस्ट द मूवी अकॉर्डिंग टू आर टाइम एंड टेस्ट, हम टाइम और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं. वी कैन सेव, और हम सेव कर सकते, वी कैन सेव नॉट ओनली आर टाइम, न केवल हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं बट ऑल्सो मनी, और धन भी सेव कर सकते हैं. दीज डेज मास्टर सीडीज एंड डीवीडीज आर अवेलेबल, सीडीज और डीवीडीज अवेलेबल हैं. वी कैन वॉच एनी मूवी एट एनी टाइम ऑफ द डे, हम कोई भी मूवी किसी समय देख सकते हैं. मोर ओवर वी कैन अटेंड टू आर डेली रूटीन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं बिना नुकसान किए उनको भी पूरा कर सकते हैं.